मेरे कहने से तुमने विवाह कर लिया, परंतु ना जाने मेरे ना होने पर वो तुम्हें क्या कष्ट देगी। कुआं में छलांग लगाने को है, तब तक संत ने आकर के हाथ पकड़ लिया, बेटा कहां रहती हूं। आंखों से आंसुओं की धार बह रही, मैं स्वयं मनु, मेरे ससुर हैं सतरूपा, मेरी सासू हैं उत्तानपाद, मेरे पति हैं जो अयोध्या के प्रथम राजा थे, मेरी सौत ने मुझे जल्लादों के हाथ मारने के लिए भेजा, पर जल्लादों ने इतना परोपकार कर दिया, मुझे मारा नहीं, और अब मैं अपनी जिंदगी से दुखी हूं, मरना चाहती हूं। संत भगवान ने कहा मैं भिक्षा करूंगा और आप खाते रहना कुटिया पर, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन चल रहा है, कुटिया की सफाई होती है, संत भगवान भिक्षा करके लाते हैं। महाराज उत्तानपाद भी सुनीति की याद भूल चुके हैं, कई वर्षों बाद राजन घूमने जंगल की ओर शिकार खेलने घोड़ा लेके गए, संघ के साथी सब छूट गए, झाड़ियों में एक हिरन चौकड़ी मारता हुआ भागता जा रहा है, पीछे पीछे भागे, वर्षा आ गई, आंधी आ गई, अंधेरा होने लगा, अयोध्या की रास्ता ही भटक गई, और वो रास्ता सीधा घोड़ा महाराज का कहां पहुंचा, जहां सुनीति कुटिया में निवास कर रही है। आवाज लगाई, अरे स्वामी जी दरवाजा खोलो, लेकिन उस दिन महात्मा जी कुटिया पर नहीं थे, अकेली सुनीति है। दिल घबराने लगा, सोचने लगी शायद आज मेरे पति को मुझे मारने के लिए मेरी सौत ने भेज दिया है, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास है। दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने से पहले आरती का थाल सजा लिया महाराज। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित पतिव्रता स्त्री ने कष्ट सहते हुए भी अपने पति को वो सम्मान दिया जो कभी नहीं दे पाई। दरवाजा खोला, राजा ने देखा सुनीति तुम जिंदा हो, हां धीरे धीरे आरती सुनीति सुंदर श्रावण मास चल रहा है, और ये हमारे देश की मल्हार, ये राग बड़े सुंदर भाव भरी है। सुनीति उधर सेवा कर रही है, क्या बताया, सावन को महीना, बहना मेरी आई गयो
बार बार विनती कर रही हैं, सोच रही हैं, आज उच्च आसन पर महाराज को बिठाया है, कुछ फल रखे हैं, ग्रहण किए दोनों ने। महाराज ने रात्रि को विश्राम किया कुटिया में, सुबह हुआ सुनीति से कहा आप अयोध्या चलो।